Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know, we are carrying on with the second chapter, history. History chapters are generally big ones, no? Because a lot of informations are there and a lot of points are there that needs to be covered. Framing history in itself is a Herculean task. It's a big task to make history and to make history in a way that it seems to be factual. Facts hote hain, aapko sab galat informations nahi di jaati hai. Please try to understand, these are not the wrong informations if it is there in the book. So always remember that it might be having some informations, it might be having some informations that are there are very well researched, that is there. Okay, so back to the chapter, the last last video what we had done is we were talking about civil disobedience, how it had started, how the salt law was broken, Gandhi March, participation of the people, participation of the people who were away from the sea. By salt tax, to वहीं पे salt law तो वहीं पे break करेंगे जहाँ पे समुद्र है ना, वहीं पे salt बना सकते हैं. So we read about some of the leaders like Khan Abdul Ghaffar Khan and the incident in the Nagpur region. All these things that are there. When we are talking about it, we understood ki how forceful the movement was. Civil disobedience movement was very forceful. Britishers were into trouble. Kisi tarah se isko shant karna chahte the. As a result, Mahatma Gandhi ko yahan se inhone hata diya. They removed Mahatma Gandhi from here. Yes, kyunki actually Mahatma Gandhi ki wajah se they were quite troubled. Unko ye samajh mein aa raha tha that किसी न किसी तरह से अगर महात्मा गांधी को नहीं हटाएंगे तो द मूवमेंट कैन टेक अ वेरी वेरी अ टर्न जहां पे कि हो सकता है दैट द ब्रिटिशर्स हैड टू लीव इंडिया. द मूवमेंट कैन गो टू सच एन एक्सटेंट बिकॉज वी हैव सीन द पार्टिसिपेशन बाय द रिच पीजेंट्स. पार्टिसिपेशन By, civil disobedience movement में हमने किसका किसका participation देखा? Rich peasants, jats of rich peasants, poor peasants, ठीक है? Business class. इस बारी what had happened is that the money people were also involved in the civil disobedience. They also wanted, काफी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा था. तो इट वॉज अ वेरी चोकिंग एक्सपीरियंस फॉर देम. सिंपल लैंग्वेज में जब इसको एक्सप्लेन करती हूं तो दम घुटने वाला माहौल था उनके लिए भी. चोकिंग एक्सपीरियंस. इससे वो बाहर आने के लिए दे वेर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस. लेकिन वॉट हैज हैपेंड इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट वॉज एट इट्स पीक, बिल्कुल टॉप पे था एंड सडनली महात्मा गांधी विथड्रू द मूवमेंट. विथड्रू नहीं, एक्चुअली ही हैज टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल. वो भी करना था, वो भी जरूरी था. वी कांट ब्लेम महात्मा गांधी, यहां ब्लेम नहीं कर रही हूं, बट वॉट हैज हैपेंड इज की मूवमेंट हैड एन इम्पैक्ट. मूवमेंट हैड एन इम्पैक्ट. इसमें वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ओके, एंड डॉक वर्कर्स. गॉट इट? एंड यस, रेलवे में जो काम करते थे, रेलवे वर्कर्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट everybody was actively involved.
हर तरह से जिसको जहां मिल रहा था वो सिविल डिसोबीडियंस में देवर पार्टिसिपेटिंग दे वो था गांधी कैप, गांधी जी का नाम का नारा लगाया, गांधी जी के बारे में बताया, गांधी जी का मैसेज को पास किया। तो दीज थिंग्स कांट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू एड्रेस। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान से देखना ही पड़ेगा। एंड स्ट्राइक्स वॉज देयर बाय द रेलवे वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, 1930-32। थोड़ा सा ट्राई टू रिमेम्बर द डेट्स बिकॉज इट्स हिस्ट्री, सो इफ यू सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डेट्स दैट वुड बी गुड फॉर यू। गॉट इट? अब क्या है वन कैटेगरी जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, विच वी आर डिस्कसिंग टूडे, इज पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। पहली बार नहीं, एक्चुअली क्या होता था, एवरी टाइम विमेन वे आर अ पार्ट ऑफ ऑल दी मूवमेंट्स दैट वेर बीइंग लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, लेकिन दिस टाइम विमेन पार्टिसिपेशन वॉज वेरी एविडेंट, बहुत ही खुल खुल के नजर आ रहा था, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा था कि यस विमेन आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। दिस मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज गॉट अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस। बाहर से लोग आए थे सॉल्ट मार्च को कवर करने के लिए, बाहर से मीन्स लंदन से पीपल हैड कम, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। तो दिस मूवमेंट वॉज हैड लॉट ऑफ मोमेंटम, बहुत स्पीड के साथ ये शुरू हुआ था एंड ब्रिटिशर्स वेर इन टू ट्रबल। बार बार यही चीज कह रही हूँ। तो अब इनका रोल क्या था, व्हाट डिड दे डू? सॉल्ट मार्च के टाइम में वेमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू महात्मा गांधी। ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च वेमेन केम टू लिसन, वो जब रात में जहां हॉल करते थे ना वहां पे ही यूज टू इंस्पायर द पीपल, ही यूज टू मोटिवेट द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। मोटिवेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन अ वेरी नॉन वायलेंट मैनर, याद रखना। यस, मेजर कैच मार्क ऑफ हिज मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। वायलेंस का किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं। ओके, एंड और भी चीजें इन्होंने की, दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्टेंट मार्चेस, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस मेकिंग सॉल्ट। नमक कानून तोड़ा है ना, तो अब ब्रिटिश नमक तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो कुछ हमारे को अपना भी तो बना हुआ नमक, भाई बिना नमक के तो खाना इज नॉट पॉसिबल, सो सम होममेड क्या होता, कंट्री मेड सॉल्ट हैज टू बी देयर, सो मेकिंग सॉल्ट। पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप, गॉट इट? यू नो, कैन यू बिलीव दैट मेनी वुमेन वेंट टू जेल ऑल्सो अर्बन एरियाज में, द हाई कास्ट फैमिलीज वुमेन हु वर देयर दे वेंट टू जेल। रूरल एरियाज में रिच जमींदार उमींदार के घर की जो औरतें थी दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो गांधी जी कॉल दे कंसिडर्ड इट एज देयर रोल, इट वॉज देयर ड्यूटी, दे कंसिडर्ड इट एज अ ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। सेक्रेट ड्यूटी, इनफैक्ट बुक पे यही दिया हुआ है दैट इट वॉज अ सेक्रेट ड्यूटी, बहुत ही जैसे कि सर्विंग टू द नेशन, सेवा करने के तरीके का था कि आप देश की सेवा कर रहे हैं इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके। दैट वॉज द कॉल ऑफ द आवर
एंड दैट वॉज द पावर ऑफ द वुमेन मूवमेंट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन. गॉट इट? देन वॉट हैपन्ड, पोजिशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा चेंज. गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट वुमेन शुड लुक आफ्टर होम एंड हर. ये ना, ये गांधी जी को थोड़ा सा लग रहा था, गांधी जी ये गलती नहीं हम कह रहे हैं, गांधी जी वॉन्टेड वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ. चूल्हा चौका, ओके, एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. अब यहां पे आप ये कहोगे कि ये क्या बात हुई, औरतों को वो घर में रखना चाह रहे हैं, औरतों को वो बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं. विथ डेवलपमेंटल काइंड द पीपल हु विल बी टिकिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनर दैट अच्छा औरतों को घर में रहना चाहिए काम, औरतों को घर से बाहर नहीं आना चाहिए. नो, ये दिस वॉज एक्चुअली द मूवमेंट दैट वॉज बींग कैरिड ऑन. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो माहौल चल रहा था, ये जो मूवमेंट चल रहा था, this was majorly meant to signify that women should stay at home because the kind of movement that was being carried on by Mahatma Gandhi was very risky. काफी उसमें आपको मतलब non violence है ना, you cannot raise an arm, आप तो हथियार उठा नहीं सकते हैं, हथियार उठाने का काम तो ब्रिटिशर्स का है. And in fact, no Indians was raising the arms. तो जब नॉन वायलेंस है, अचानक से लाठी चार्ज हो गया तो औरतों को कहीं चोट ना पहुंचे. That was the major idea. If the women are hurt, तो that is not good. औरतों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि हम वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं दे रहे हैं. तो then what happened? Believe me, children, when some satyagraha movements were there, when lathi charge was there, these women served as nurses. मर्दों को जब चोट लग जाती थी, बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाना होता था, इमीडिएट मेडिकेशन की जरूरत है, एट दैट टाइम दीज वुमेन वेयर देयर बिकॉज दैट इज देयर. लाठी चार्ज इज देयर, सो मेनी पीपल डंडा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन मार सकते नहीं है, गांधी जी की पॉलिसी है ना, दैट इज देयर. सो दिस वॉज द वुमेन पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन. लेकिन बहुत ज्यादा, इफ वी से दैट लॉट ऑफ पावर वॉज गिवन टू द वुमेन, ऐसा नहीं था. पावर बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली बाद में पावर मिला है, लेकिन इनिशियली जो है बीच में जो टाइम था थोड़ा सा पावर उनको कमी था, बट सिंबॉलिक प्रेजेंस था. ये दिख रहा था कि वुमेन आर देयर, वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, दिस वॉज वेरी एविडेंट. अब क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो खत्म हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिनिश्ड, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ. द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सच अ लार्ज स्केल मूवमेंट, सक्सेस मिलनी चाहिए थी, सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया. ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑफ सच एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, बिकॉज अब क्या था, मेनी सोशल ग्रुप्स वे आर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, मतलब स्वराज का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहा था. मेनी ग्रुप्स वे आर नॉट कन्विंस्ड with the abstract concept of Swaraj. Please understand abstract, something that is non-existent. हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसका रूप क्या होगा, वो स्वराज कैसा होगा,
इफ द स्वराज पीपल आर गेटिंग द स्वराज इफ द ब्रिटिशर्स अग्री तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट टू द पीपल यू नो थिंग्स शुड बी क्लियर गांधी जी द पीपल आर हैव गिवन द स्लोगन ऑफ स्वराज स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल स्वराज नहीं क्लियर था इसमें क्या था वन सच ग्रुप वॉज अनटचेबल्स अनटचेबल्स छुआछूत की बीमारी हमारे यहां बहुत ज्यादा रही है हमेशा से रही है दे वेयर ऑलवेज कॉलिंग themselves एज दलित और oppressed. दलित जिनको हमेशा दल के दबा के रखा गया दे ऑलवेज दे वेयर कॉलिंग themselves एज दलित और oppressed oppressed ग्रुप सो दे कॉल themselves एज दलित और oppressed जिनको बहुत दबा के बहुत सता के और बहुत परेशान करके हमेशा से रखा गया है तो ये ग्रुप जो है इट वॉज वेरी आई मीन इनडिफरेंट टुवर्ड्स दिस मूवमेंट अब इनका मन नहीं कर रहा था मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का अपार्ट फ्रॉम दैट कांग्रेस में देयर वेर सम हाई कास्ट हिंदूज इन कांग्रेस अब समझो प्रॉब्लम कहां शुरू हुई इन कांग्रेस दे हैव इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज कांग्रेस इग्नोर्ड दलित क्यों फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग अब सनातनीज कौन थे हु वेयर सनातनी प्लीज अंडरस्टैंड दीज वेयर द पीपल हु वेयर फॉलोइंग एंड propagating and promoting ancient Indian culture. According to them, अगर दलित हैं अगर lower caste हैं तो high caste Hindus said कि इनको अलग रखना है If they are in Congress, अगर वो Congress में आ जाते हैं they are members, तो हम फिर Congress में नहीं रहेंगे लेकिन महात्मा गांधी said कि स्वराज अगर चाहिए तो untouchability has to be eliminated. सनातनीज वेयर हाई कास्ट हिंदूज ये भी समझना हाई कास्ट है तो और अमीर होंगे मेजरली पहले यही होता था द हाई कास्ट पीपल हु आर देयर जमींदार हैं तालुकदार हैं लैंडलॉर्ड्स हैं रिच पीजेंट्स हैं दे वर फ्रॉम द हाई कास्ट तो कास्ट सिस्टम तो इज वेरी प्रोमिनेंट यू नो इट वेरी वेल इन इंडिया तो गांधी जी सेड कि अनटचेबिलिटी हैज टू बी एलिमिनेटेड फॉर सक्सेस ऑफ स्वराज जो नारा लगाया है वो नारा खाली घर में बैठ के बोलने के लिए थोड़ी लगाया है इट हैज टू बी ब्रॉट इन अ फॉर्म वेयर एवरीबॉडी फील्स कि हाँ सही है हमारे साथ न्याय हुआ सो फॉर सक्सेस ऑफ स्वराज गांधी जी सेड दैट अनटचेबिलिटी हैज टू बी एलिमिनेटेड अनटचेबिलिटी की जो बात करते हैं उन अनटचेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा तो उसके लिए ही स्टार्टेड अ मूवमेंट ही हैड टू बिकॉज ही वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि वॉट इज बींग डन देखो जो हो रहा था वो गलत हो रहा था और आज से नहीं हो रहा था बहुत पहले से हो रहा था इट वॉज हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम सो गांधी जी इट एंड इट वॉज अ वेरी डीप रूटेड थिंग अनटचेबिलिटी इज अ डीप रूटेड थिंग इन द इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को हटाना वॉज अ बिग टास्क नोबडी वॉज रेडी फॉर दैट उसके लिए सबको मना पाना सो गांधी जी
कॉल्ड हरिजन्स एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. गॉट इट? एंड ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह. सत्याग्रह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर दैट देम एंट्री इनटू टेम्पल, क्योंकि पहले लोअर कास्ट पीपल वेर नॉट अलाउड द एंट्री इनटू द टेम्पल. एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो आम आदमी का जो कुआं है जहां से पानी ले सकते हैं, दे कांट हैव वाटर, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हाई कास्ट पीपल विल नॉट गिव देम वाटर. क्या है ये? हाउ कैन वी जस्टिफाई सच अ थिंग? आई मीन इजंट इट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? This is against humanity, but then people practiced it. Believe me, children, people practiced it. That was the lacuna of the Indian society. कि इसके बाद भी लोग इसको मानते थे, लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे थे. So he started सत्याग्रह. इन्होंने कहा यह हटाना और their entry into temples and all public places. They were banned from all the public places. Public places means where high caste people are there. दूर रहो, छूना नहीं है, अलग थलग रहना है. तो अब ये देखो देखो, every time we say this thing, गांधी जी को दोनों तरफ से लड़ाई करनी पड़ रही है. एक्सटर्नली ही इज फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स, इंटरनली ऑल्सो अपने लोगों के साथ भी तो लड़ाई कर रहे हैं. हाई कास्ट हिंदूज के खिलाफ यह सत्याग्रह था ना. दिस सत्याग्रह वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दिस वॉज अगेंस्ट द हाई कास्ट हिंदूज हु बिलोंग हैपन्स टू बी इंडियंस, वेरी मच द इंडियन पॉपुलेशन हु आर स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसिंग कास्ट सिस्टम. आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज देयर. सो अब ही हिमसेल्फ, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हरिजन्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, तो आई एम ऑल्सो हरिजन. सो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स. सुबह सुबह किसी के भी कुछ लोगों थे, उनके घर में घुस जाते थे और वो वॉशरूम क्लीन करने लगते थे. तो दे यूज टू से, आप क्या कर रहे हैं, महात्मा है आप? ही सेड नो नो, आई एम ऑल्सो हरिजन, आई एम हरिजन. एंड दलित लीडर्स वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी. दलित ग्रुप वॉन्टेड अ परमानेंट सॉल्यूशन. क्लियरली दे सेड, आपके वॉशरूम क्लीन करने से क्या हमको हमारे अधिकार मिल जाएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज व्हाट इज वेरी क्लियरली मेंशनड हियर, कि दे वांटेड पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. आपके वॉशरूम क्लीन करने से हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है. सो दे वॉन्टेड अ परमानेंट सॉल्यूशन एंड इन अ पॉलिटिकल मैनर. अब हमको हमारे हक चाहिए, अब लड़ाई शुरू हो गई. तो उसके लिए व्हाट डिड दे वांट? दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Got it? And separate electorate that would choose, वो अपने leaders को खुद select करना चाहते थे. Separate electorates that would choose. So students, we try to understand the limits of civil disobedience. Civil disobedience, one of the major movements that have turned the history and the economy of Indian culture and Indian customs and traditions. So, civil disobedience was there, but somewhere civil disobedience was not very successful. We will be understanding why it was not successful and how it could have been made successful.
वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेजर इश्यूज दैट वर फेस्ड बाय वी आर अम्बेडकर एंड द अदर पीपल हु वेर ट्राइंग टू पुट इन ऑल देयर एफर्ट्स इन मेकिंग दिस एज अ सक्सेस एंड हाउ द दलित मूवमेंट हैव टेकन अ मोमेंटम which had an everlasting effect on the civil disobedience. This we have discussed today. Rest we will be discussing in the next class tomorrow. Till then, children, thank you so much and all the best to you.